कौन सा टेस्ट करने का दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक व्यक्ति को चाटा मारते हुए दिख रहा हूँ। सूरजपुर जिले में स्थिति बहुत ख़राब है। मैं और मेरे माता पिता दोनों स्वयं भी कोविड से संक्रमित हो गए थे। मैं अभी पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरे पिताजी भी पोस्ट कोविड हैं, मेरी माताजी अभी भी पॉजिटिव हैं। मुझे पता है कि कोविड होने के बाद क्या आदमी के शरीर पर बीतती है। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। हम चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, और पिछले एक साल से मैं और मेरा पूरा सरकारी अमला, पूरा ज़िले की टीम और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने सरकारी अमला है, हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है, वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं, और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए।